अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग ना यहाँ पर आए हैं घर देखने के लिए। तो ये घर हम लोगों को छोड़ना था, तो ये घर हम लोगों को ऐप पर दिखा, जो यहाँ की ऐप होती हैं, तो उस पर ये घर दिखा। जैसे ही दिखा, मेरे हस्बैंड ने उन्हें कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर फर्नीचर नहीं, लेकिन फिर भी ये लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई थी। और यहाँ पर ना कुछ भी सामान नहीं था, मैं सब देख रही थी, तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ घर है और एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर। तो ये तीन चीज़ें थी, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं सब देख रही थी, लेकिन मुझे घर अच्छा लग रहा था। तीन बेडरूम थे और वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ना मेन सेंटर में है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अमायरा का स्कूल यहाँ पर 3 मिनट की वॉक है, अमायरा का स्कूल है, और फिर उसके बाद इनका बैंक भी है और ATM भी नीचे ही है घर के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें मैं देख रही थी। मेरे हस्बैंड को ना ओल्ड मॉडल लग रहा था थोड़ा सा, तो इन्हें पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इन्हें बोल रही थी घर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें देखें कि ये मेरे लिए कितना अच्छा हो जाएगा कि मैं यहाँ पर आऊँगी, नीचे बीच है, मैं वहाँ पर जाके वॉक कर लूँगी और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इन्हें घर छोटा लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे घर ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन फिर ये अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर घर आ चुके हैं, ये हमारा की बुक्स वगैरह लेके आए, ये हमारा की शीट है, मुझे घर पसंद है, पेपर शीट से वहाँ पर देना है की बातें होने लगी, और यहाँ पर सारी कॉल पे बात हमारा की, तो इन्हें सुबह स्कूल में देनी है हमको, तो ये मैं ले आई थी उधर से, ताकि सुबह हमारा को जब छोड़ने जाऊँगी तो दे दूँगी स्कूल में। और घर का तो अपना 2 दिन बाद ही पता चलना है कि वो देगा या नहीं, क्योंकि उसके लेने के लिए उस घर को ना लाइनें लगी हुई हैं। तो खैर 2 दिन बाद ही अपने पेपर वर्क से इकट्ठा करके तब उसको देंगे, तो फिर वो फाइनल होगा। खैर मुझे तो वो घर बहुत पसंद है, तो मैं दुआ कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए, क्योंकि वो मेन सेंटर में है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शॉप सारी सब पास हैं, सब कुछ मेन सेंटर की बात जानते ही हैं कि सब कुछ होता है, और मैं जहाँ रहती हूँ अभी वो बहुत दूर है, पहाड़ियों पर है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, ना मैं किसी से मिल पाती हूँ ना कुछ, इनका मैं इंतज़ार मुझे करना पड़ता है, जब ये आएँगे तो मुझे लेकर जाएँगे, और ये बिज़ी होते हैं इतना ज़्यादा कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं यहाँ पर बुक्स देख रही थी, स्पेनिश में सारी बुक्स थी, मुझे तो कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं इसको बच्चों को पढ़ाती थी इस एज में ना, मैं बच्चों को इतना अच्छा खासा पढ़ा देती थी, लेकिन ना यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं इसको कुछ भी पढ़ाऊँगी ना, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी या हिंदी पढ़ाऊँगी, तो ये बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि ये स्कूल में जाएगी ना, क्योंकि हम लोगों में ABCD बोलते हैं, और वहाँ पे शायद ऐसे करके बोलते हैं कुछ, तो H को, K को बोलते हैं खोता, इस टाइप से बोलते हैं ना, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगी, तो फिर वो इंग्लिश ही पढ़ेगी। वैसे भी ना इसने TV देख देख कर और मोबाइल देख कर ये वैसे भी इंग्लिश बहुत बोलती है, और ABCD से फोल आती है Z तक, इसे सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं जो टीवियों से सीखी है, इसलिए इसे थोड़ा सा स्पेनिश सीखने में प्रॉब्लम होगी। और मैं चाहती हूँ ना ये 2-3 साल ना 4 साल जितने भी साल यहाँ पढ़े, 7-8 साल ना ये अच्छी स्पेनिश सीख ले, क्योंकि जब यहाँ पर बिजनेस होगा तो फिर तो आना ही होगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से इंग्लैंड चली भी गई तो मैं यहाँ आती जाती रहूँ। तो मैं चाहती हूँ ना, मुझे तो शौक़ है नहीं स्पेनिश सीखने का, तो ये 2-3 साल 4 साल जितना भी यहाँ रहेगी ना, तो ये सीख लेगी तो मेरे लिए अच्छा होगा, ये लैंग्वेज जैसे बोलना आता होगा। तो खैर यहाँ पे ना मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वो घर पक्का हो जाता है तो फिर ना मेरी पैकिंग स्टार्ट हो जानी है, तो फिर आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे साथ पैकिंग शेयरिंग करिएगा, और मेरे घर शिफ्टिंग में मेरे ब्लॉग्स को देखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।